कार्यकर्ता बंधु, हम आयनगर इस वार्ड के चुनाव से संबंधित रैली में आज सब एकत्र हुए हैं। दिल्ली में विकास को लेकर के बहुत सख्त लड़ाई दिल्ली वासियों से इस सरकार के खिलाफ हो रही है, जो केवल वायदे करके और कोई वादा ना निभा करके ऐसे केजरीवाल से, जो झूठों का पुलंदा है, उससे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप ये देखें कि पिछले कांग्रेस के 10 साल के शासन में और उसके बाद केजरीवाल के 8 साल के शासन में क्या आयनगर का कोई ठीक से इस विस्तार हुआ है, क्या ठीक से इस आयनगर का कॉलोनियों को लेकर के, रास्तों को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के, सीवर को लेकर के क्या आयनगर में कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है। देखिए, बीच में कांग्रेस के 10 साल के शासन में बीच में एक साल का मौका हमें मिला था, आप लोगों ने मुझे यहाँ से चुन करके भेजा था। मैंने इस आयनगर गांव और कॉलोनी के लिए यहाँ पे सीवर सेंक्शन कराया था, लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि से वो सीवर यहाँ पे डलना था। सीवर डालने से पहले सीवर डिपार्टमेंट ने हमसे ये आग्रह किया कि जब तक यहाँ SCP नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ सीवर नहीं डाल पाएंगे। तो SCP के लिए हमने ये शमशान भूमि के पीछे ही पास में 6000 गज जमीन उनको दी और सीवरेज डिपार्टमेंट को वो जमीन हमने हैंडओवर भी करा दी थी। लेकिन उस समय इलेक्शन आ गए। ये जिस रास्ते से हम आए हैं, जो रास्ता दोनों साइड से बंद पड़ा है, जो इतना चौड़ा बंद रोड है, जिसके लिए उस समय 5.5 करोड़ रुपया सेंक्शन हुए थे और काम चालू हो गया था, वो काम भी आज तक अधर हुआ, लटका हुआ अधर में। केजरीवाल सरकार ने तो जितने भी काम करने थे, जो सेंक्शन थे, चाहे पड़ोस में यूनिवर्सिटी बननी थी, वो यूनिवर्सिटी में भी 20-32 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से लेके गए, वो भी यहाँ पे कैंसिल कर दी गई। तो जो काम पहले सेंक्शन थे, वही काम केजरीवाल सरकार ने आकर के खत्म किए और नया काम तो वो क्या करेंगे। यहाँ पे पानी की कमी है, तो यहाँ पे जो भी काम होने थे, जो सेंक्शन थे, जिनके लिए बजट सेंक्शन हो गया था, जिनके वर्क अवार्ड हो गए थे, वही काम केजरीवाल ने रोके हैं। आयनगर से मुझे नहीं मालूम केजरीवाल की क्या दुश्मनी है। कई लोग आते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन काम करके नहीं जाते। ये अभी तालाब के पीछे बहुत बड़ी आबादी के लिए एक रास्ता जाता था, मैंने ही खुलवाया था उसको, मुझे अभी भी याद है, बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है। और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए और केजरीवाल की सरकार आई, वो रास्ता दोबारा से बंद है, आज तक ही बंद है। लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये आपको अपने इस डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए, ये पहली सीढ़ी है नगर निगम की, जिसमें मनीषा चौधरी जी आपके बीच में आई। मनीषा चौधरी हमारे मंडल प्रधान की धर्म पत्नी है और मंडल प्रधान इस क्षेत्र का बहुत भली भूति भांति इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये टिकट सिफारिश से नहीं मिला है, ये टिकट उनके कार्य करने की उससे मिला है कि उसने मंडल में इतना अच्छा कार्य किया है और पार्टी में सर्वे कराने के बाद में उनको ये टिकट दिया है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप धोखा मत खाओ। बार बार धोखा खाते हो फिर पछताते हो 5 साल, तो वो धोखा ना खा करके यहाँ से मनीषा चौधरी जी को कमल का बटन दबा करके अधिक से अधिक मतों से जिता करके भेजे, ताकि आपके कामों की शुरुआत एक अच्छी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।